दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबाएं और साथ में लाइक करें, और अगर कमेंट लिख सकते हैं तो वो लिखें, जिससे कि हम और अच्छे वीडियो बना करके आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पूरे वीडियो में जो भी राय दी गई है उसका किसी भी संस्था या इंस्टीट्यूट से किसी भी प्रकार से ताल्लुक नहीं किया जा सकता है। पूर्णतः मेरी निजी राय, मेरी नॉलेज के आधार पर राय दी जा रही है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि VMOU द्वारा 30 जून 2019 की कुंजी जारी कर दी गई है, और इसकी कुंजी जो है आप वेबसाइट पर VMOU.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर VMOU द्वारा जारी कुंजी में मैच नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि rcitexam@vmou.ac.in पर अपनी आपत्तियों को भेज सकते हैं। परंतु ध्यान रखें कि ये 4 जुलाई 2019 से पहले पहले आपको ये सभी आपत्तियां वहां तक पहुंचानी हैं। इसके पश्चात विश्वविद्यालय उन्हें एंटरटेन नहीं भी कर सकता है। अब होता क्या है कि जो भी आप आपत्तियां भेजते हैं, VMOU के अंदर एक जो समिति है उसके द्वारा उन आपत्तियों की जांच की जाती है, और अगर सही पाए जाते हैं तो अगर VMOU में जो स्थापित समिति है उन्होंने अगर ये पाया कि आपकी आपत्तियां सही हैं तो आंसर की को रिवाइज करके फिर से रिलीज किया जाएगा, और कुछ प्रश्नों के हो सकता है उत्तर बदल दिए जाएं या फिर कुछ प्रश्नों के बोनस मार्क भी दिए जाएं। अपनी राय आप हमारे वीडियो में नीचे ज़रूर आप लिखें। तो यहाँ पर मैंने पूरे एग्ज़ाम के RCIT एग्ज़ाम के जो प्रश्न आए हैं उनको चैप्टर में डिवाइड करने का प्रयास किया है कि कौन सा प्रश्न कौन से चैप्टर में आया। आप देखेंगे तो चैप्टर टॉपिक का नाम दिया है, उसके बाद में उसमें से कुल कितने प्रश्न आए हैं और वो प्रश्न का कौन कौन से नंबर हैं पुरुष एग्ज़ाम के अंदर। आप ध्यान रखें कि मैंने जो RCIT के एग्ज़ाम की सेट डी है, यानी डी जो सीरीज के पेपर हैं, उसके अनुरूप मैंने प्रश्नों का क्रमांक दिया है यहाँ पर। तो दोस्तों, आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम में परिचय के अंदर लगभग इतने ही प्रश्न आते थे, और इसमें एक आध प्रश्न थोड़ा ज़्यादा आया है। इंटरनेट व इंटरनेट का परिचय अगर दोनों चैप्टर मिला के देखें तो 5 से 6 प्रश्न आए हैं, हर बार लगभग इतने ही आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी 2 प्रश्न हैं, वर्ड में 3, एक्सेल में 3 और पावर पॉइंट में 1 है। इसके अलावा आउटलुक में से भी 1 से 2 प्रश्न आए हैं, परंतु चूँकि अब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कोई एक अलग से चैप्टर नहीं है, तो अतः आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल MS ऑफिस से करीब 9 से 10 प्रश्न आए हैं। नई बात यह है कि डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म और साइबर सुरक्षा को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस मिली है। डिजिटल भुगतान से 2 प्रश्न आए हैं, साइबर सुरक्षा व जागरूकता से 3 प्रश्न आए हैं। डिजिटल सुविधाओं को थोड़ा और वेटेज मिलना चाहिए था, और लगभग अभी इसमें वर्तमान में 3 आए हैं क्वेश्चन, लेकिन इसकी संख्या आने वाले एग्जाम में बढ़ सकती है। मोबाइल डिवाइस से भी एक आध प्रश्न और बने जा सकते थे, परंतु उसमें से 1 ही प्रश्न आया है। अब इसके अलावा जो लास्ट में जो चैप्टर है अपने कंप्यूटर का प्रबंधन और अन्य कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें से लगभग 4 आए हैं, जिसमें प्राथमिकता मिली है अपने कंप्यूटर का प्रबंधन चैप्टर को। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं जो कि काफ़ी जस्टिफाइड है। आइए देखते हैं कि अब प्रश्नवार हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या एनालिसिस किया है मैंने। पहले तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी तौर पे आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ जो VMOU.ac.in पर जो जारी कुंजी है उसको ही विश्वसनीय माने। उसके अलावा अन्य किसी भी सोर्स से, चाहे वो इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको दे रहा हूँ, उसको ऑफिशियल नहीं माना जाएगा और सही नहीं माना जाए। VMOU द्वारा जो कुंजी है उसमें आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2019 है। आप चाहें तो ईमेल के माध्यम से rcitexam@vmou.ac.in पर अपनी आपत्ति डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम ओवरऑल पेपर का। तो एक अच्छी बात तो यह है कि इस बार जो परीक्षा हुई है ये काफ़ी ही अच्छी एग्ज़ाम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जो प्रश्नों का स्तर है वो मीडियम से लेकर हार्ड तक सभी प्रकार के कवर हुए हैं, और काफ़ी अच्छे प्रश्न बनाए गए हैं। अगर 3 क्वेश्चन की बात करूं तो 35 में से वो चैप्टर के अंत में जो दिए गए क्वेश्चन हैं उनमें से ही पूछे गए हैं। मैंने अपने वीडियो के अंदर उन प्रश्नों को हाईलाइट भी किया है।
इसके अलावा 3% जिन्हें देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी चैलेंजिंग लगा, क्योंकि उनमें जानबूझ करके उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से सभी ऑप्शन विद्यार्थियों को दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा चैलेंज दिया है। जिस विद्यार्थी को उस कंसेप्ट के बारे में पूर्ण जानकारी वही उत्तर दे सकता है। इसके अलावा मैंने ये भी नोटिस किया कि लगभग 1% बोनस दिया जा सकता है, क्योंकि 1% का उत्तर मुझे लग रहा है कि शायद ये गलत हो सकता है, परंतु हमारा काम सिर्फ ये है कि हम आपको आप तक ये सूचना पहुंचाएं, बाकी आप अपनी आपत्ति VMOU को दर्ज कर सकते हैं। VMOU द्वारा अगर ये स्वीकार किया जाएगा तो रिवाइज हो सकते हैं क्वेश्चन, उस प्रश्न के बारे में भी मैं बात करूंगा। इसके अलावा 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें पाठ्य पुस्तक यानी किताब में से मुश्किल से ही ढूंढे जा सकते हैं। अब उसके पीछे रीज़न ये है कि उन चीज़ों का उपयोग तो हुआ है, परंतु एग्जैक्टली वही वर्ड मिलना बुक के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। तो लेकिन सभी प्रश्न सिलेबस के अंदर हैं, किसी भी प्रकार से सिलेबस से बाहर का प्रश्न कोई भी नहीं दिया गया है। तो ये कुछ एनालिसिस था, अब आइए इससे आगे देखते हैं। तो ये एक जो कुंजी है आप डाउनलोड कर सकते हैं VMOU.ac.in पर जा कर के, वहाँ पर आपको आंसर की ऑफ RSAT एग्जाम हेल्ड ऑन 30/6/2019 के नाम से लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। तो आइए प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न, MS PowerPoint 2010 में प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड से शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? जो सेट डी है इसके अंतर्गत जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी F5। ये क्वेश्चन पेज नंबर जो कीबोर्ड शॉर्टकट है उसके अंतर्गत में आपको देखा जा सकता है, और पेज नंबर 278 के बाद में जो पेज है उसके अंदर ये दिया गया है बुक के अंदर। अगला क्वेश्चन है, DPI का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन पेज नंबर 25 पर उपलब्ध है, जो कि पाठ्य पुस्तक के अंत में क्वेश्चन है उनमें शामिल है, और इसका सही उत्तर है ए, डॉट्स पर 3 इंच। अगला क्वेश्चन है, MS Excel 2010 में बार चार्ट और कॉलम चार्ट के बारे में सबसे उपयुक्त सही विकल्प का चयन करें। ये क्वेश्चन भी RSCIT बुक से है और इसको आसानी से देखा जा सकता है और पाया जा सकता है पेज नंबर 202 और 203 के बीच में, और सही उत्तर है इसका सी, डेटा मानों को बार चार्ट में 36 सलाखों में दर्शाया जाता है, जबकि कॉलम चार्ट में डेटा मानों को ऊर्ध्वाधर सलाखों में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा क्या है? यह क्वेश्चन पेज नंबर 11 RSCIT बुक के अंदर है, और इसका सही उत्तर जो जारी किया गया कुंजी उसके अनुरूप ऑप्शन सी है, जिसमें टेक्स्ट, नंबर, इमेज या साउंड जैसे कच्चे अनप्रोसेस तथ्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, QR कोड क्या है? पेज नंबर 67 पे QR कोड का RSCIT के बुक के अंदर इसका जिक्र किया गया है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, QR का अर्थ है क्विक रिस्पॉन्स, बार कोड का द्विआयामी संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, MS Word 2010 के साथ बनाई गई जाने वाली जो फाइल होती है उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन RSCIT बुक में दर्शाया गया है पेज नंबर 160 के अंदर, और इसका सही उत्तर है सी, वर्कशीट वन, डॉक्यूमेंट वन, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, SSO का पूर्ण रूप क्या है? RSCIT के बुक में पेज नंबर 101 के अंदर इसका सही उत्तर दिया गया है, और इसका सही उत्तर है सिंगल साइन ऑन, SSO। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? RSCIT की बुक में पेज नंबर 232 पेज का उपलब्ध है आंसर, और कुंजी के अनुसार इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 123 VMOU@RSCIT। अगला प्रश्न, यदि कई ऐप या प्रोग्राम खोले जाते हैं तो आप विंडोज 10 में खोले गए ऐप या प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए बटन पर क्लिक करते हैं? इसका जो उत्तर है RSCIT की बुक में पेज नंबर 30 में दिया गया है, और सही उत्तर जो कुंजी के अंदर है वो है ऑप्शन डी, टास्क व्यू। अगला क्वेश्चन है, जीमेल में इनबॉक्स का क्या मतलब है? RSCIT की बुक में पेज नंबर 51 पे इसका जिक्र किया गया है, और सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पोर्टल का उपयोग रेलवे सेवाओं के लिए किया जाता है? RSCIT की बुक में पेज नंबर 125 में इसका जिक्र किया गया है, और सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? RSCIT के बुक में पेज नंबर 26 के अंदर इसका जिक्र किया गया है, और सही उत्तर है ऑप्शन सी, GPS। अगला प्रश्न है, अगर हम किसी जॉब की तलाश करना चाहते हैं तो कौन सी वेबसाइट सबसे उपयोगी है? RSCIT की बुक में पेज नंबर 82 के अंदर इसका जवाब दिया गया है, और सही उत्तर है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, विंडोज़ 10 में सिस्टम स्टोर का उपयोग क्या है, सिस्टम रीस्टोर का उपयोग क्या है। RSCIT की बुक में पेज नंबर 243 के अंदर इसका उत्तर दिया गया है और सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल को जीमेल का उपयोग करके नहीं भेजा जा सकता है। RSCIT की बुक में पेज नंबर 55 में इसका जिक्र किया गया है अटैचमेंट का, और ये सही उत्तर इसका होना चाहिए d.exe। अगला प्रश्न है, RSCIT बुक के पेज नंबर 146 से जिसका क्वेश्चन है, उपयोग दो स्थानों के बीच का रास्ता खोजने के लिए किया जाता है, और इस कुंजी के अनुरूप इसका सही उत्तर है गूगल मैप। अगला प्रश्न है, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण क्या है। RSCIT बुक के पेज नंबर 2 में इसका सही उत्तर दिया गया है और सही उत्तर है इसका ए। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 के रिबन में सही टेक्स्ट का चयन करें। RSCIT के बुक में पेज नंबर 156 में ये रिबन दर्शाया गया है और सही उत्तर है इसका जो कुंजी के अनुरूप ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, HTTPS में अक्षर एस का अर्थ क्या है। RSCIT के बुक के पेज नंबर 240 में चैप्टर के अंत में दिए गए क्वेश्चन में इसका उत्तर है और सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोबाइल वॉलेट के सही उदाहरणों का चयन करें। RSCIT के बुक के चैप्टर नंबर पेज नंबर 67 में सही उत्तर इसका दिया गया है, वो है ऑप्शन सी, पेटीएम, फ्रीचार्ज और फोनपे। अगला प्रश्न है, MS Excel 2010 में पाठ स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। RSCIT के बुक के पेज नंबर 200 के अंदर में एक टेबल बनाई गई है और उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, LEN। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर खतरे के एक प्रकार में से है। RSCIT के बुक के चैप्टर नंबर 231 नंबर पेज के अंदर इसका सही उत्तर दिया गया है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर दस्तावेज या छवि को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर सिरे से स्याही स्प्रे करता है। RSCIT बुक के पेज नंबर 16 के अंदर इसका उत्तर दिया गया है। अब चूंकि उपलब्ध कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इस वजह से इसको सही उत्तर है इसका कुंजी के अनुरूप ऑप्शन डी, उपरोक्त में। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय में छात्र के शुल्क को ऑनलाइन जमा करने के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है। RSCIT के बुक के पेज नंबर 108 में इसका सही उत्तर दिया गया है और सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हम कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का उपयोग क्यों करते हैं। RSCIT के बुक के चैप्टर पेज नंबर 17 के अंदर इसका उत्तर दिया गया है और सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय रूप से ईमेल प्रयोजनों के लिए उपयोग क्या किया जाता है। RSCIT के बुक और पेज नंबर 253 के अंदर इसका सही उत्तर है, वो है डी। अगला प्रश्न, वक्तव्य एक, स्कूल के लिए होमवर्क, बच्चों के मनोरंजन, सोशल मीडिया आदि, घर पर कंप्यूटर के कुछ उपयोग हैं। वक्तव्य दो, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी आदि शिक्षा में कंप्यूटर के कुछ उपयोग हैं। इसका सही उत्तर RSCIT बुक में पेज नंबर 6 पे दिया गया है और वो है ऑप्शन ए, वक्तव्य एक और वक्तव्य दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में पृष्ठ संख्या, गणना संख्या, शब्द गणना, दस्तावेज की भाषा दिखलाता है। अब इसके अंदर सही उत्तर जो कुंजी के अनुरूप दिया गया है ए, परंतु यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सही उत्तर स्टेटस बार होना चाहिए जहाँ पर ये सभी सूचनाएँ दिखती है। अतः इसके अंदर मुझे लगता है कि VMU द्वारा संशोधन किया जा सकता है अगर उपयुक्त प्रकार से उनको आपत्ति प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, जब आप प्रोजेक्टर कनेक्ट करते हैं तो डैश कनेक्शन विकल्प आपके लैपटॉप मॉनिटर डेटा प्रोजेक्ट स्क्रीन पर अलग अलग सामग्री प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। RSCIT बुक के पेज नंबर 269 के अंदर इसका सही उत्तर है और सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रतीक का उपयोग MS Excel 2010 में एक सूत्र शुरू करने के लिए किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ट्रिकी है और इसके अंदर आप देखेंगे कि उपलब्ध सभी जो विकल्प हैं उनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प ज़्यादा सही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इक्वल से फार्मूला स्टार्ट होता है और ये जो उत्तर है पेज नंबर 198 के अंदर देखा जा सकता है RSCIT की बुक में। तो सही उत्तर जो कुंजी में दिया गया है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, URL का एक वैध उदाहरण है। RSCIT बुक में पेज नंबर 46 में URL का प्रकार दिखाया गया है और सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, MS PowerPoint में स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स इत्यादि में उपलब्ध है, कौन से टैब के अंदर उपलब्ध है। RSCIT बुक में पेज नंबर 218 पे इसको दिखाया गया है और स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स टैब के
इसका जो सही उत्तर है उसका है ऑप्शन सी, इंसर्ट टैब के अंदर में ये उपलब्ध है। इंटरनेट की गति को मापने के लिए सही इकाई के विकल्प को चुनें, उपरोक्त सभी। RSCIT बुक में पेज नंबर 43 में MBPS के बारे में बताया गया है और यहाँ पे बिट्स पर सेकंड सभी में कॉमन आता है, उपरोक्त सभी सही विकल्प प्रतीत होता है। MOOC मूक क्या है? RSCIT के बुक में पेज नंबर 79 में इसको बताया गया है और इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन सी, यह एक प्रकार का ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है। अंतिम प्रश्न, ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है? ये पेज नंबर 260 में चैप्टर के अंत में दिए जाने वाले प्रश्नों में से एक है और RSCIT बुक में इसको पाया जा सकता है और सही उत्तर इसका विकल्प जो दिया गया, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो दोस्तों धन्यवाद, आपने पूरे पेशेंस के साथ में पूरा ये सुना। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो इसका विश्लेषण किया गया है ये आपको ज़रूर आपको काम आएगा और आप इसका पूर्ण उपयोग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें ये भरोसेमंद चैनल के बारे में बताएँ। थैंक यू वेरी मच।